हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ आइसक्रीम केक विदाउट बेकिंग अ केक, और एज इट इज़ अ मैंगो सीजन तो हम आज मैंगो से बना रहे हैं। यहाँ बनाने के लिए मैंने लिया एक टिन, बेकिंग टिन है, सूजी रस और मैंगो फ्रूटी। यहाँ मैं रस को मैंगो फ्रूटी में डिप करूँगी, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा ही करना है, 1 या 2 टाइम्स, और इसको इसमें हम सेट करेंगे। यहाँ पे रस ही हमारा केक बेस का काम करेगा। हमें पूरा केक टिन को कवर करना है रस से। अगर आपके पास ये वाला बेकिंग टिन नहीं है, आपके पास दूसरा है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। आप उसमें क्लिंग फिल्म लगा लो, और फिर जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप उसमें भी कर सकते हो। यहाँ मैं रस से इसको पूरा कवर कर दूंगी। जैसे देखिए ये हो गया मेरा, इसको पूरा कवर कर चुकी हूँ मैं। अब मैं इसमें वनीला आइसक्रीम डालूंगी। वनीला आइसक्रीम मैंने थोड़ी देर पहले ही फ्रिज से निकाल दिया था, तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें मैं ये मैंगो के पीसेस ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी। अब हम इसको इसे केक टिन में डाल देंगे। इसको हमें पूरे अच्छे से कवर करना है, अच्छा सा थिक लेयर लगाएंगे इसमें। आप और भी कोई फ्रूट्स डालना चाहो तो डाल सकते हो। ये पूरा अच्छे से कवर कर लें। अब हम इस पे दोबारा वही रस का लेयर लगाएंगे। वैसे इसको फ्रूटी में डिप करके मैंने यहाँ पे वनीला फ्लेवर आइसक्रीम लिया है। आप चाहो तो मैंगो फ्लेवर भी ले सकते हो। अब इसके ऊपर फिर से हम वनीला आइसक्रीम लगाएंगे। पूरा अच्छे से इसको कवर कर दें। अब मैं इसको क्लिंग फिल्म से कवर करके फ्रीजर में रख दूंगी। 6 to 7 आज में सेट हो जाता है, और इसके लिए बेस्ट है आप इसको ओवरनाइट छोड़ दो फ्रीज़र में। ये देखिए मेरा हो गया है सेट, बहुत अच्छे से सेट हो गया है, मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था। अब हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ये आराम से निकल गया है।
आप चाहो तो इसको वैसे भी खा सकते हो, बट मैं इसको और भी डेकोरेट करना चाहूँगी। मैं इसके ऊपर ये मैंगो प्यूरी लगा रही हूँ। ये प्लेन मैंगो प्यूरी है, इसमें कोई शुगर कुछ ऐड नहीं किया है मैंने। इसका अच्छा सा एक थिक लेयर लगा लेंगे। इसको अच्छे से पूरा कवर कर लें आप। और इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। ये पूरा सेट हो गया है। अब मेरे पास थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम था, तो इसके ऊपर मैं एक डेकोरेशन कर रही हूँ फ्लावर्स से। ये बिल्कुल केक जैसा लग रहा है। Isn't this looking yummy and so easy to make? No baking. इसको आप और भी फ्लेवर्स में ट्राई कर सकते हो, स्ट्रॉबेरी, मिक्स फ्रूट और मैंगोज तो हैं ही बेस्ट। तो ऐसे ही ईजी और यमी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।